प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय कर दी गई है। मणिपुर हिंसा पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान नहीं देने वाले विपक्षी दलों ने रणनीति अपनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से 10 अगस्त तक बहस होगी। 26 जुलाई को पेश किया गया था अविश्वास प्रस्ताव। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 26 जुलाई को विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 50 सांसदों का अविश्वास समर्थन मिलने के बाद अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख की घोषणा की जाएगी। मंगलवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। 20 जुलाई से लोकसभा राज्यसभा में लगातार गतिरोध जारी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ। 3 मई से जारी मणिपुर हिंसा में पूरे देश और विपक्ष का आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ। 4 मई के इस वीडियो में 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा न्यूड परेड कराते देखा जा सकता है। भीड़ महिलाओं के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार कर रही है। उनके साथ सरेआम गैंगरेप किया गया। इस वीडियो के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को एक्शन लेने का अल्टीमेटम दिया। उधर अगले दिन मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अमानवीय घटना को लेकर सदन में जोरदार बवाल हुआ। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करते हुए सदन को बाधित कर दिया। उस दिन से सदन में विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा कराने और सदन में इस पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का सदन में बयान नहीं होता देख विपक्ष ने रणनीति अपनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। हालांकि संख्या बल के हिसाब से लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत की संख्या है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बहाने 2 दिन तक विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बयान देना होगा। 2014 के बाद से ये दूसरी बार है जब मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। उस समय अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 126 सांसदों ने वोटिंग की। इस बार भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 330 सांसद से अधिक हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास 140 से अधिक सांसद हैं। 60 सांसद ऐसे हैं जो अभी तक ना एनडीए का हिस्सा है ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें खाली हैं। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत वैकल्पिक रूप से अविश्वास मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा सदन में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। ये दुर्लभ उदाहरण के रूप में ये एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है, जिससे सरकार में विश्वास नहीं होता। ये प्रस्ताव नए संसदीय मतदान अविश्वास प्रस्ताव का मतदान द्वारा पारित किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है।